बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जियो पाकिस्तान वीडियोस के साथ मैं हूं आपका मेजबान सोहेब सालिक। आज आपको बताएंगे पाकिस्तान के खूबसूरत शहर सियालकोट के इन मेहनती और जहीन लोगों की कहानी। जी हां दोस्तों, सियालकोट के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत पहले सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कायम किया, फिर अपनी सियाल एयरलाइन को खड़ा किया। एयर सियाल अपने क्याम से एक कामयाब और मकबूल एयरलाइन बनकर सामने आई है। तरक्की की नई मंजिल तय करते हुए पहले डोमेस्टिक एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे थे, इंटरनेशनल रूट्स पर भी अब ये आने जा रहे हैं। दुबई के लिए परवाज शुरू कर दी गई है। एयर सियाल की खास बात यह है कि इस एयरलाइन के तमाम जहाज़ों पर दुरूद शरीफ की इबारत लिखी हुई है। इस एयरलाइन की इंतजामिया ने ऐलान किया कि मैयत बॉक्सेस और एक अटेंडेंट को भी साथ बिल्कुल मुफ्त फराहमी इसकी मुमकिन होगी, जो कि एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। कम अरसे में 500 से ज़ायद मैयतों को फ्री सर्विस फराहम की गई है। दोस्तों आपको बताते चलें, जब तक सियालकोट का एयरपोर्ट नहीं था, सियालकोट की एक्सपोर्ट 500 मिलियन थी। सियालकोट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के नतीजे में एक्सपोर्ट्स में कितनी बड़ी तब्दीली आई है। ये एक्सपोर्ट्स 500 मिलियन से बढ़ के 2.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं और इसमें मजीद इजाफा भी हो रहा है। पाकिस्तान के सियालकोट शहर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान को खतीर ज़र मुबादला कमा कर दे रहे हैं और सियालकोट की इंडस्ट्री और बिजनेस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जो कि एक बहुत ही खुशहाल बात है। दोस्तों दीगर शहरों के लोग भी ये सब कुछ कर सकते हैं और अपने ऊपर यकीन रखते हुए और मेहनत और काबिलियत के बलबूते पे सियालकोट के लोगों की तरह कामयाबी की तारीफ और मिसाल कायम कर सकते हैं। सोहेब सालिक को जीवे पाकिस्तान वीडियोस के साथ इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नए मौजू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।